किचन है और पूरी प्रॉपर एक बड़ी गाड़ी का कार पार्किंग स्पेस आपको मिलता है इसमें। ठीक है, और अगर हम सर बात करें ऊपर अगर हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो वहाँ पे कैसे कैसे है? फर्स्ट फ्लोर पे सर हमें मिलता है टू रूम सेट। ठीक है, जैसे हमने नीचे वन रूम सेट और कार पार्किंग के साथ दिया है जी, तो ऊपर हमें मिलता है टू रूम सेट। ठीक है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं साथ साथ, आपको जैसे सर ने बताया वैसे वैसे आपको दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर नॉलेज देंगे। थोड़ा सा यहाँ के बारे में और बता दीजिए कि फैसिलिटीज आसपास क्या क्या मिलती है जो परचेज करते हैं प्रॉपर्टी को। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्री की, जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं जिस भी प्रॉपर्टी में हम काम करते हैं हमारी सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है और हमारी खुद के नाम पे अपनी खुद की प्रॉपर्टी हमारी रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी होती है और सारी प्रॉपर्टी जो भी है सारी लोनेबल है, लोन वाली प्रॉपर्टी है जिसमें गवर्नमेंट बैंक से लोन अवेलेबल है। लोन वगैरह आप करवा देते हैं? लोन वगैरह सारी फैसिलिटी हम खुद करा के देते हैं, कस्टमर को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उनकी फैसिलिटी हम उनको जैसे वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ ना अपनी दूसरी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में ले जाता हूँ, ये समझो रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर है जो बनाते हैं, तो थोड़ा वो चीज सोच के मैं भी जुड़ेगा। तो मेरा आपको विपिन जी कुछ अपना यहाँ का पूरा करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रॉपर हाउस, सामने विपिन जी हैं। विपिन जी थोड़ा सा सर इंट्रोडक्शन दीजिए, बाहर से क्या क्या है, मत्था कितना है? सर इसका जो फ्रंट है वो 15 का फ्रंट है इसका जी, और जो उसकी डेप्थ है वो 33 की, जैसे मैंने आपको बताई। ठीक है, 15x33 का 55 गज का इंडिपेंडेंट हाउस है। ठीक है, मैम आपको टाइल्स प्रोवाइड करके देते हैं जी, फ्रंट टाइल्स लगे हुए एलिवेशन में जो आप देख रहे हैं। ठीक है, और सेफ्टी पर्पज से हमने इसमें स्टील SS की जो ग्रेड है 304 वाली रेलिंग लगाई हुई है। ठीक है, सेफ्टी पर्पज से पूरा कवर किया हुआ और प्रॉपर जो है रेडी टू मूव है एकदम। बिल्कुल प्रॉपर रेडी टू मूव फ्लैट है ये, बिल्कुल कंप्लीट, जिसमें वॉलपेपर्स भी लगे हुए हैं, फैंस भी इंस्टॉल्ड है, चिमनी भी लगी हुई है। ठीक है, पूरा पेंट वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल रेडी टू मूव फ्लैट है। स्टार्टिंग थोड़ा सा अगर हम अंदर चले, मेन बड़ा गेट जैसा लगा गाड़ी पार्किंग के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए हमने बड़ा गेट दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए ताकि अपनी कार अंदर ही पार्क कर सके। वैसे तो स्पेस गली में भी है, बट हर कोई चाहता कि मेरी गाड़ी जो खड़ी हो मेरे घर के अंदर खड़ी हो सेफ्टी पर्पज से, तो बड़ा गेट इसीलिए दिया हुआ है, तो आप खोलें और सीधा अंदर पार्किंग का पूरा स्पेस दिया हुआ है प्रॉपर। अगर हम अंदर चलें सर, अंदर थोड़ा सा चल के बताइए, स्टार्टिंग जो ग्राउंड में है वो कैसे है यहाँ पे 1BHK जो है? सर सबसे पहले हम एंट्री कर रहे हैं, यही सेम जो मैंने आपको बताया पूरा पार्किंग स्पेस आ गया आपको जी। पूरा 15 का फ्रंट है, पूरे 15x14 की ये 15 फुट का फ्रंट है और 14 की डेप्थ है, पूरी कार पार्किंग का स्पेस पूरा दिया हुआ इसमें। और जो नीचे बना हुआ सर इसमें वन रूम सेट इसमें प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप मेरे पीछे बैक साइड में देख पा रहे हैं, पीछे पूरा वन रूम सेट है 10x12 का, इसमें रूम दिया हुआ है। स्टार्टिंग एंट्री करते हैं, लेफ्ट साइड पे जो है अपना ऊपर जाने के लिए स्टेज हो जाती है, स्टेज है 3 फुट की, स्टेज है 3 फुट की डेप्थ है इनकी जी, प्रॉपर साइज है इनका, बेस्ट साइज है बिल्कुल ये। ठीक है,
और ऐसे अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बात करते हैं हमारे राइट साइड में हमारे सामने दिया हुआ इसमें बहुत बड़ा सा मॉड्यूलर किचन है गाइस। ये देखिए पूरा मॉड्यूलर किचन है इसके अंदर, इस तरह से मॉड्यूलर किचन पूरा किचन है। ये चिमनी का स्पेस दिया हुआ ऊपर जी, ऊपर ग्लास वर्क ठीक है, ये पूरा प्रॉपर मॉड्यूलर किचन है। ये देखिए आप एक बार सर ड्रॉर्स वगैरह सारे ओपन करके दिखा दीजिए। ये बास्केट्स के लिए सारे ड्रॉर्स भी है, आटा टैंक के लिए, हर तरह की कटलरी के लिए स्टोरेज, यहाँ पे तरह की स्टोरेज हमने इसमें दी है, प्लेट्स के लिए प्रिपेयर कर रखी है, पेंडेंट्स वगैरह हर एक चीज पे काफी फोकस है। ये देखिए आप वो सारा क्वालिटी वर्क है जी। और इस तरफ अगर हम देखें साथ में सिंक भी है आपके वॉशिंग के लिए प्रॉपर। ये आरओ का पॉइंट है, आप यहाँ पे आरओ भी अपना, ये देखिए आप ऊपर आरओ भी रखा है यहाँ पे ठीक है स्पेस। और नीचे इस तरीके से सारे जो वाटर के टैप्स हैं सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें तीनों तरह के वाटर हैं, डायरेक्ट वाटर भी है, डायरेक्ट वाटर भी और टैंक से भी है, इसमें तीनों वाटर की फैसिलिटीज के अंदर दी हुई है। कैसे भी चाहिए यूज कर सकते हैं किचन में, टाइल्स नहीं किचन टाइल्स लगे हुए हैं, हाई ग्लोस में टाइल्स लगाई हुई है ठीक है। और एकदम जो है अभी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, जैसे कि न्यू प्रॉपर्टी है रजिस्ट्री वाली, रेडी टू मूव। और अगर हम सर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे रूम की जी, तो ये सामने फ्रंट में आप देख रहे हैं हमारा 10x12 का बेडरूम है हमारे नीचे जो मिलता है हमें 1 BHK जी। इसमें हमें सामने आप देख रहे हैं हमने ये वॉलपेपर यूज किया हुआ है इसके अंदर ठीक है, प्रॉपर 3D वॉलपेपर बोलते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में लाइफ टाइम वारंटी के साथ। यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह के लिए आप देख, ये शाफ्ट दी हुई है हमने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जी, ये प्रॉपर प्लम्बिंग की शाफ्ट होती है, जितने भी कनेक्शन होते हैं वाटर के उसके लिए अलग से स्टोरेज होती है, शाफ्ट होती है कि प्लम्बिंग की अगर फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए जी, सारे वेंटिलेशन के लिए और सारे पाइपिंग वगैरह इसी तरह से करते हैं। और ऊपर हमने एक विंडो एसी का पॉइंट भी दिया हुआ है, इसमें आप चाहेंगे विंडो एसी रूम में आराम से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल सर सारे मॉडर्न हो गए हैं तो उतना फोर सीलिंग का काफी जमाना आ गया है जी सर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दिया हुआ सर, ये लेटेस्ट वाली हमने प्रॉपर फोर सीलिंग की हुई है, इसमें एलईडी लाइट्स भी लगी हुई है, ओव के अंदर भी लाइट्स लगी हुई है ठीक है, और फैन वगैरह भी हम आपको लगा के देते हैं। तो ये चीज भी बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन का देख रहा हूँ फोर सीलिंग का, ज्यादातर जो आजकल मॉडर्न जो है चीजें देखते हैं हर एक चीज लेटेस्ट ही हम यूज करते हैं, हम किसी से पीछे क्यों रहे हर एक चीज में ठीक है। हम प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर तो हम अपने काम को पीछे क्यों रखें किसी से भी, बिल्कुल तो आपको हर एक स्टेप में एक स्टेप आगे मिलेगा काम हमारे पास जब भी आपको। मैं गेट देख रहा हूँ सर, गुडक का जो गेट है जिसे ये फर्स्ट लॉक्स लगे हुए हैं जी, पूरे मॉडुलर लॉक्स के साथ ये मॉडुलर लॉक्स हैं ठीक है, और पूरी इसमें सनमाइका लगी हुई है, गुड बेस्ट क्वालिटी की हाई ग्लॉस वाली सनमाइका यूज की हुई है हमने, और बटन बहुत अच्छा दरवाजा लगा हुआ है, बटन वगैरह भी प्रॉपर आप देखते हैं, ये प्रॉपर बटन लगे हुए सारे मॉडुलर बटन लगे हुए सारे ठीक है। फैन के लिए इंस्टॉलेशन दिया हुआ है, प्लग दिया हुआ है, नीचे भी हम एक्स्ट्रा बॉन्ड्स देके चलते हैं पावर के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो प्रेस यूज करने के लिए। काफी बिल्डर्स बताते नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये रहा कनेक्शन, ये रहा कनेक्शन, हाँ ये नहीं कि बॉन्ड के काम होगा, ये देखिए कि रूम के अंदर कितने बॉन्ड्स मिल जाएगा, तीसरा चौथा एसी के लिए, एसी के लिए लगभग सारी चीजें कवर कर रही है, प्लग वगैरह लगाए हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स के पॉइंट्स रखे हैं सामने लगभग इस तरह भी, तीनों दीवारों में थ्री साइड पॉइंट्स रखे हैं, थ्री साइड पॉइंट्स भी ना कभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और सीलिंग आप देख ही रहे हैं कितनी बेहतरीन जो है फोर सीलिंग, स्पेशली जो आजकल मॉडर्न सब मांगते हैं, ये आपको मैंने दिखाया है, जैसे ग्राउंड साथ में ही इसके बिल्कुल इस तरफ अपना टॉयलेट भी है, ये हमारा वॉशरूम है जी, इसमें आपको मिल जाता है भाई 8x4 का वॉशरूम मिल जाता है आपको इसमें, ये देखिए ये 8 फुट इसकी जो है गहराई है, 4 फुट चौड़ा है, इसके अंदर आपको टॉयलेट बाथरूम दोनों प्रोवाइड होते हैं ठीक है, 1 पीस में सीट लगी हुई है इसके अंदर ठीक है, 1 पीस सीट लगी हुई है, बाकी पूरा स्पेस नहाने के लिए वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए पूरा प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, शॉवर वगैरह हर एक चीज हर एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, फुल हाइट तक टाइल्स लगी हुई है इसके अंदर, फैसिलिटीज जो है पूरी दे रखी है इसके अंदर, फैसिलिटीज पूरी है, फुल हाइट तक टाइल्स भी प्रोवाइड की है, टाइल्स पूरी ऊपर तक दे रखी है फुल हाइट तक, उसके बाद आपको बाहर एक वॉश बेसिन भी मिल जाता है प्रॉपर वॉशिंग के लिए, वॉशरूम से यूज करके आए तो आपको हैंड वॉश के लिए बाहर पूरा प्रॉपर वॉश बेसिन दिया, कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत लग नहीं रही, कुछ एक्स्ट्रा करने का आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, हम आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए घर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है हर एक चीज पे आपको राइट लेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट लेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी, हमें ऑलरेडी पता है, तो ये चीज हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करके देते हैं ठीक है। आप आए विजिट करें, जब देखना आप एक चीज में आपको पर्सनली समझाऊंगा आपको कैसे, अगर हम डायरेक्टली सर ऊपर चले आइए सर ऊपर चलते हैं, जी तो स्टेयर से अगर हम ऊपर आते हैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएंगे, फर्स्ट फ्लोर अपना जो है
तो सर इसमें जब हम 10 करोड़ एंट्री करते हैं तो हमें जो बाहर वाला हमारा जो एग्जिस्टिंग रूम है जी, इसकी हमें दोनों तरफ से एंट्री मिलती है। ठीक है, ये हमारे फ्रंट से भी एंट्री है। ओके, ताकि कोई आपका गेस्ट आए, आप डायरेक्ट अंदर ना ले जाना चाहते हैं उसको, आप चाहते हैं कि बाहर सिटिंग एरिया हो, तो आप यहाँ से बाहर सीधा अपने रूम में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री है वहाँ से, एंट्री आपको वहाँ से मिलती है। पर्सनली आप घर में यूज कर रहे हैं, किचन के साथ आपने किसी को कुछ सर्व करना है तो अपने घर के वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम एंट्री दी हुई, एंट्री सर यहीं से लेते हैं एक बार, हम निकलते हैं वहाँ से। ये देखिए आप एंट्री एक बार लेते हैं, ये हमारी एंट्री है। थोड़ा सा इधर बता दीजिए सर, रेलिंग वगैरह भी पूरा बालकनी एरिया है, हमारी पूरी 3 फुट की बालकनी है जी, पूरी कवर्ड बालकनी है, सेफ्टी पर्पज से है। मोस्टली क्या होता है कि 3 फुट हाइट तक आप जो रेलिंग है लगा के देते हैं, बट ये सेफ्टी पर्पज से हमने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। ये ओपनेबल है, खुल जाती है यहाँ से, आप कुछ खोलना, कुछ सामान अपना अंदर लाना तो आप यहाँ खोल के ला सकते हैं। सेफ्टी पर्पज ये है कि आप फ्यूचर में घर पे नहीं है जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कवर्ड है, फिक्स है, पूरी सेफ्टी पर्पज पूरा है इसके अंदर, ऊपर तक पूरी कवर्ड, पूरी कवर्ड, पूरी कवर्ड। आप बेचिंत होकर कहीं भी जा सकते हैं, क्या मेरा घर सेफ है, बंद है, कोई एंट्री नहीं कर सकता उसमें, सेफ्टी पूरी रहती है, सेफ्टी पूरी है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। एंट्री करते हैं सर यहाँ से तो जी, आइए जी, एंट्री करते हैं। ये हमारा एक 11x10 का बेडरूम हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जिसकी 11 की ये लंबाई है जी और 10 फुट चौड़ाई है इसकी। 11x10 का हमें ये बेडरूम मिलता है यहाँ पे जी, जिसमें आप चाहें तो इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं, अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं जी, कुछ भी बना सकते हैं इसे। ये देखिए ऊपर प्रॉपर यहाँ भी फोर सीलिंग दे रखी है, ऊपर फोर सीलिंग दी हुई है, ठीक है। और ये बहुत ब्यूटीफुल यहाँ सामने एक वॉलपेपर लगा रखा है, जो वॉलपेपर का ऑप्शन है ये मैं आपको बता देता हूँ, कस्टमर की चॉइस से हम लगवाते हैं, ठीक है, कस्टमर का ऑप्शन देते हैं, हर एक रूम में वॉलपेपर लगा के देते हैं जी, आपको हम पूरा कैटलॉग देते हैं, आप उसको देखिए, पसंद कीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे बेस्ट आपको लगवाइए, वो हम आपको लगा के देते हैं। पीछे विंडो वगैरह सारे ऑप्शन दे रखे हैं, एसी वगैरह के भी, विंडो के लिए, विंडो एसी के लिए पॉइंट दिया हुआ है इसमें ऊपर, आप विंडो एसी आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन के पूरे ग्लास वाले भी दिए हुए विंडो और अपनी जाली वाली भी, ये दोनों तरह की हमने विंडो दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। पॉइंट्स की आप बात करें तो एसी का पॉइंट हमने यही साथ में दिया हुआ है, आप वहाँ पर डायरेक्ट तार लगा के यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स भी हमारे यहाँ पे, पॉइंट्स की कहीं पे भी किसी भी रूम में कहीं कोई कमी नहीं, हर एक जगह हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, पावर के भी, लाइट्स के, चार्जिंग के, हर एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ऐसे सर अगर हम अंदर चलते हैं तो यहाँ से भी एंट्री और एग्जिट हो जाता है, अभी हम नीचे से आए थे ऊपर जी सर, यहाँ की बात करते हैं हम तो आगे बढ़ते हैं, ये आती है हमारी राइट साइड में हमारी मॉडुलर किचन अगेन जी, सेम उसी साइज की बड़े किचन है ये भी, देखिए ज्यादा 8 फुट चौड़ी है और 8 फुट लंबी है, 8x8 की किचन है, घर की जो लेडीज है आराम से इजिली पूरी कंफर्टेबल पूरी किचन में घूम के देखिए आराम से काम कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई सफोकेशन फील नहीं होगी कि हम किसी जगह पे बंद होकर काम कर रहे हैं, तो इसका बड़ा ध्यान नक्शा जब हम बनाते हैं प्लान करते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि घर की लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो काम करने में, खड़ा होकर काम करने में, लेडीज को ज्यादा रहने की टाइम रहता है किचन में जी, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा टाइम नहीं घर में रहना होता है, किचन में रहना था, काम है, सब कुछ है, तो ये हमने यहाँ पे मॉडल किचन में चिमनी प्रोवाइड की हुई है, ये हमारी चिमनी है, इसकी भी हम जो है 5 साल की वारंटी है चिमनी की, 5 साल में कुछ होता है तो हम उसमें आपको पूरी मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। किचन बिल्कुल सेम जो नीचे है सेम ऊपर है, नीचे अपना ग्राउंड फ्लोर पे देखा था वन रूम सेट, सेम वैसे ही 10x11 का ये हमारा बेडरूम हमें अगेन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ये हमारा बेडरूम है जी, सेम प्रॉपर फॉल सीलिंग के साथ, वॉल पेपर के साथ, ये देखिए प्रॉपर फुल सीलिंग आपको ऊपर मिलती है, वॉलपेपर आपको सामने और अच्छा लगता है, एंट्री में दिखता है बिल्कुल 3D वॉलपेपर है, लेटेस्ट वॉलपेपर है, ठीक है। और इसी से कमरे के अंदर जो जान आती है, एक लुक आती है, वो वॉलपेपर से ही आती है बिल्कुल सर, तो ये हमने प्रॉपर प्रोवाइड किया। और इसमें नीचे जगह क्या लगेगा, इस शाफ्ट की तो हमने यहाँ पे एक इनबिल्ट अलमीरा दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, आपको इनबिल्ट अलमीरा मिलती है, गोल्डन अलमीरा, कितनी खूबसूरत स्पेस का पूरा यूज किया गया है, बिल्कुल 3x11 की है, कस्टमर को बाद में कुछ अलग से ना करना पड़े, ना करना पड़े, एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा था हमें तो हमने यहाँ से बना के दिया, बहुत अलग है, नीचे भी इसमें पॉइंट्स है जी, नीचे भी इसमें शुगर से आपको मिल जाता है इसके अंदर भी, ये देखिए प्रॉपर और ऊपर भी आपको पॉइंट्स मिल जाता है इसमें यूज करने के लिए, काफी स्पेसियस अलमी रहा है, ठीक है, इनबिल्ट अलमी रहा है। तो इस तरीके से आपको मैंने जो है इनका यहाँ पे 2BHK सेट जो है आपको मैंने पूरे पूरे दिखाया, थोड़ा भी पीछे अगर बताएं आप, अगर हम रेट वगैरह की अगर हम बात करें तो रेट्स कैसे कैसे बनती है इसके, 2BHK कैसे रेट होते हैं, तो ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट हाउस जी, ये है हमारा जड़ से मकान जिसमें जमीन की भी आपकी है, ये पूरी कंस्ट्रक्शन आपके छत पे आपके रजिस्ट्री के साथ अवेलेबल है ये जी, और जो इसका प्राइस है वो 55 लाख रुपए फिक्स प्राइस है, ठीक है, पूरा बना हुआ, पूरा बना हुआ सर, पूरा बना हुआ ऐसे कैसे एज इट
फैसिलिटीज आपको मिलेगा ये 55 लाख रुपए में, ठीक है, रजिस्ट्री और लोन के साथ अवेलेबल है ये, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्री अवेलेबल है, ठीक, गवर्नमेंट बैंक से हम लोन कराते हैं, सारी फैसिलिटी हम खुद आपको करा के देंगे, ठीक है, आपको किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप आइए फाइनल करिए विजिट करिए बाकी सारा काम हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई फ्लोर पे लेना चाहे 1 BHK 2 BHK तो कितने से स्टार्ट होते हैं? हमारे पास सबसे कम बजट में जो 1 BHK सबसे कम हम बनाते हैं वो भी इसी तरीके से ही बनाते हैं जी। काम की जो क्वालिटी वो सेम ही होती है, ठीक है, बट ये कि वो 1 BHK फ्लैट है तो उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 17 लाख रुपए से स्टार्ट, ठीक है, 17 लाख रुपए में आपको 1 BHK मिलता है 40 गज का, ठीक है। वो फ्लोर्स होते हैं जिसमें आपको कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, लिफ्ट वगैरह सारी फैसिलिटी मिलती है, सबके साथ कंबाइन होकर रहना पड़ता है उसमें। तो स्टार्टिंग जो हमारे 7 BHK की है, उसके बाद फिर 2 BHK 50 गज में 20 लाख रुपए, फिर 24 लाख रुपए, फिर 30 लाख रुपए, 28 लाख रुपए, इस तरह के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी है, ठीक है। किसी की रिक्वायरमेंट हो तो जैसे 70 गज की बिल्डिंग है उसमें 2 BHK के फ्लैट बनाए तो इंडिपेंडेंट होता है, एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोर से बिल्डिंग्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट हाउस के हमारे अभी 5 से 6 प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। साइज मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हमारा 40 गज का चल रहा है इंडिपेंडेंट हाउस, उसके बाद हमारा चल रहा है 50 गज का इंडिपेंडेंट हाउस, ठीक है। इसमें सेम ऐसे बनके मिलेगा आपको ग्राउंड प्लस 1, ठीक है। उसका प्राइस है 50 लाख रुपए, 50 गज का 50 लाख रुपए, ठीक है। लगभग हर चीज में डील करते हैं, हमें प्लॉट चाहिए, बना बनाया चाहिए, और बना बनाया चाहिए, फ्लोर चाहिए, कुछ भी हो, लोन फैसिलिटी, रजिस्ट्री, सब कुछ करा देते हैं और सब चीजें आपको विश्वास के साथ देते हैं। अपना श्री बालाजी एसोसिएट से विपिन कुमार जी, सिविल इंजीनियर स्पेशल है, और कुछ भी जानना हो इनसे बात कीजिए, यहाँ की इंक्वायरी करनी हो अभी कभी कॉल या वीडियो कॉल कीजिए। इसके अलावा भी आपको कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना हो प्रॉपर्टी रिलेटेड, कुछ आपको इंक्वायरी करनी हो तो पूछ सकते हैं, रजिस्ट्री के बारे में, लोन के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ एडवाइस लेनी हो, ठीक है, तो आप पर्सनली ले सकते हैं, ठीक है। और आप सीरियस क्लाइंट्स हो, जेन्युइन आपकी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कॉल करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बिल्कुल सर, तो आप इतनी सारी आपकी जेन्युइन इंक्वायरी हो तो आप मुझे जरूर कॉल करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। फोन ना भी हो पाए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जी, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस भी इनका दे रखा है, रामापार रोड सुनगर का आस पास है, तो आप विजिट करके भी इनसे डील कर सकते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है सर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजें बताई, व्यूवर्स को जानकारी दी, होप्स लोग आपके साथ सर जुड़ेंगे, अपना विश्वास से आप काम करेंगे, बिल्कुल सर। और कोशिश ये रहती है हमेशा कस्टमर को एक बेस्ट रेट पे अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड कराएं, बनाता हर कोई है पर हमारी तरह स्पेशली कोई नहीं बनाता यहाँ पे, जब आप विजिट करेंगे आएंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे, आप फील करेंगे, आप कभी भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे, ठीक है। बिल जी बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। बाकी आपने टेरिस वगैरह भी देखनी है तो टेरिस वगैरह भी दिखा देते हैं, पर टेरिस भी आपको अगर इस प्रॉपर्टी की देखनी है तो वो भी आपको दिखा देते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस है तो ऊपर से 12-26 में आपकी है जी, गाइस तो दिखा देते हैं आपको चलते हैं। ये देखिए आप ऊपर चलते हैं, अगर हम टेरिस की करते हैं आपको ऐसे ही, अगर ऊपर टेरिस पे आते हैं तो टेरिस पे थोड़ा सा आपको भैया बताएंगे, भैया थोड़ा बताइए, यहाँ पे पूरा ओपन स्पेस है, पूरा ओपन स्पेस मिलता है आपको टेरिस पे जी, और जो एक इंडिपेंडेंट हाउस का जो मजा है वो छत से ही है, इसमें जमीन भी आपकी, घर भी आपका, छत भी आपकी, तो ये ओपन एरिया का जो मजा है छत पे आके जी, ये आप यहाँ फील कर सकते हैं फ्रेश एयर का, विंटर्स में आप धूप ले सकते हैं आके, पूरा प्रॉपर आपको ये ओपन स्पेस मिल जाता है, आप कुछ भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, ये पूरी आपकी होती है, और आपको जो कल को ऊपर बनाना हो तो ऊपर बना भी सकते हैं, फ्यूचर में आपको बनाना हो तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और हमसे भी करवाना चाहे तो हमसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर। जो हमने जो इसका बेस रखा हुआ है वो पूरा ऐसे ही बनाया हुआ हमने कि आप ऊपर बना सके, साइड्स में आप देख रहे हैं कॉलम्स हैं जी, आपने इन्हीं को कॉलम्स यहीं से आप ऊपर बना सकते हैं, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है सर, धन्यवाद।